उत्तराखंड बीजेपी ने एक अहम फैसला लिया है और 13 अगस्त से 15 अगस्त तक अभियान चलाया जाएगा। आज़ादी के महापर्व को लेकर तिरंगा हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की जाएगी। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने इसको लेकर रणनीति बनाई और जानकारी दी। कार्यक्रम की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया है। हर बूथ स्तर पर हर घर तिरंगा अभियान मनाया जाएगा। 13 से 15 अगस्त तक ये कार्यक्रम चलेगा। राज्य के सभी प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराया जाएगा। विधानसभा स्तर पर तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी और इसका आयोजन किया जाएगा। तो अलग अलग राज्यों में बीजेपी के 15 अगस्त को लेकर, स्वतंत्रता दिवस को लेकर कार्यक्रम है और उत्तराखंड में भी 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा और इस कार्यक्रम के तहत यात्रा भी निकाली जाएगी और अलग अलग जगहों पर, सभी जगहों पर तिरंगा फहराया जाएगा। अगस्त तक बीजेपी की तरफ से उत्तराखंड में हर घर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई है। आजादी के महापर्व को अलग अंदाज में मनाएगी बीजेपी। नासिर हुसैन ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं। नासिर, और बताइए कुछ अपडेट, क्या जानकारी है, कुछ अलग कार्यक्रम होने वाले हैं क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बार 15 अगस्त पर एक अलग कार्यक्रम करने जा रही है। तिरंगा यात्रा निकाली जाएंगी और साथ ही साथ 13 अगस्त से कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। 13 अगस्त, 14 अगस्त और 15 अगस्त तक ये कार्यक्रम चलेंगे, जिसमें तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनसे ये कहा गया है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में तिरंगा जरूर फहराएं, यानी हर घर तिरंगे का कार्यक्रम है। इसके लिए जितने भी विधायक है विधानसभा स्तर पर, उनको कार्यक्रम करने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ जो जितने भी पार्टी के नेता हैं उनको ये कार्यक्रम करने के लिए कहा गया है, यानी ये कहा गया है कि जितने भी संस्थान है उन पर तो तिरंगा झंडा फहराया ही जाएगा, तमाम घरों पर भी तिरंगा झंडा फहराया जाए, यानी हर बूथ तक तिरंगा झंडा फहराया जाए। इस कार्यक्रम के साथ साथ विधानसभा स्तर पर रैली निकालने के लिए भी कहा गया है कि तमाम जगहों पर रैली निकाली जाए तिरंगा झंडा लेकर के। यानी इस बार एक अलग तरीके से स्वतंत्रता दिवस को मनाने जा रही है बीजेपी और इसके लिए जो प्रदेश प्रभारी है उन्होंने तमाम नेताओं को, तमाम पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वो इस बार तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और तिरंगा फहराएं, यानी हर घर तिरंगा होना चाहिए। शुक्रिया नासिर, इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए आपका।